अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक और खैरियत होंगे। हम आज एक ऐसा व्लॉग बनाएंगे। व्लॉग तो आप देखते होंगे हर शहर में हर लोगों के, लेकिन हम आपको विलेज का माहौल दिखाएंगे। वो भी वो चीज़ें जो आपने आज तक नहीं देखी। कौन सी ऐसी चीज़ों की बात कर रहा हूँ आप भी सोच रहे होंगे, मेरे भाई सोचें नहीं, दिखाएंगे बिल्कुल लाइव, वो भी स्टेप बाई स्टेप। सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए। व्लॉग बनाता रहता हूँ लेकिन आपके लिए स्पेशल, जब घर आया हूँ तो मैंने कहा आपके लिए बनाऊँगा व्लॉग बिल्कुल देहात का। वो चीज़ें दिखाऊँगा जो आपने नहीं देखी, वो सब्ज़ा दिखाऊँगा, वो हर चीज़ दिखाऊँगा जो आप लोग चाहते हैं। आपका मन पसंदीदा व्लॉग होगा, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो चलते हैं अपने फर्स्ट व्लॉग की तरफ, अपने फर्स्ट वो चीज़ों की तरफ जो आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आप इंजॉय भी करेंगे। तो चलते हैं सर। सब्ज़ात आपको भी नज़र आ रहा होगा, साथ में फूल भी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन कुछ ख़ास चीज़ जो मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ, वो क्या चीज़ है कि देहात में सूरज किस तरह ग़ुरूब होता है। तो चलते हैं सूरज की तरफ, कितना प्यारा मंज़र है आप खुद देख सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा मंज़र, मैं कहता हूँ सूरज ग़ुरूब होने का, ये देहात में होता है। जब सूरज ग़ुरूब होने का टाइम हो जाता है तो आप लोग खुद देखें कितना ही प्यारा मंज़र होता है। उसके अलावा आप लोग साथ साथ देखें, तो मैं कहता हूँ जब एरिया इतना प्यारा माहौल होता है ना, तो ये देखें देहात तो देहात होता है, देहात की तरह ना ही कोई चीज़ हो सकती है और ना ही होगी। तो साथ में आप लोगों को दिखा देता हूँ, जब एक तरफ अगर आप देखें तो सूरज ग़ुरूब हो रहा है और दूसरी तरफ अगर देखें तो बादल नज़र आ रहे हों, तो मैं कहता हूँ उसके मनाजर ही अपने। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें अभी एक तरफ बादल हैं और एक तरफ देखा जाए तो सूरज ग़ुरूब हो रहा है। ये मनाजर देहात में बहुत कम ही मिलते हैं, बहुत कम लोगों को देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इतने प्यारे माहौल में आप लोगों को सरसब्जा, मैं कहता हूँ शहर में बहुत सारी जगह घूम लें, लेकिन इस तरह का ना ही आप लोगों को इतना प्यारा माहौल मिल सकता है और ना ही इस तरह का सरसब्ज़ अशात इलाका। और फिर देहात की तो मैं कहता हूँ सड़कों की बात ही ना करें। ये देख सकते हो एक तरफ सरसब्ज़ देख लें, दूसरी तरफ देख लें, लेकिन दरमियान में रास्ता तो देहात के लोगों ने बनाना ही बनाना है चलने के लिए। तो माशाल्लाह रास्ता भी इस तरह बनाते हैं। मैं कहता हूँ आप लोग शहरों के लोग तो मेहनत करके, लेकिन देहात के लोग मेहनत नहीं, बना बनाया हम लोगों को तो मिल ही जाता है। तो आप लोग देख रहे हो स्टेप बाई स्टेप, मैं दिखाऊँगा आपको, लेकिन आपने साथ साथ रहना है। तो यहाँ से चलते हैं, आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप खुद ही हैरान हो। चलते हैं उसकी तरफ, आ जाएँ।